सो वेलकम प्यार टीम टू अनदर न्यू वीडियो। सो प्यार टीम, वीडियो में दिए गए अपडेट्स अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सो दो दिन इतने इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं थे इस वजह से वीडियो लेके नहीं आया था, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिले तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आज का जो फर्स्ट अपडेट है जो साइक्लोन याश है, तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जो है दो स्टेट में बहुत ही तबाही की, तो उसकी जो स्पीड थी 130 से लेकर 145 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आई थी और साथ में बहुत सारे डैमेजेस किए हैं दोनों स्टेट के, बहुत सारे सिटीज की डैमेजेस हुई है और इसमें अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें उड़ीसा के 3 लोगों की मौत हुई है और बंगाल के 1 लोग की मौत हुई है। नेक्स्ट जो हमारे आज का सेकंड अपडेट है ये है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से, तो जितने भी मेरे टीडीसी के स्टूडेंट्स हो आप लोग ये ध्यान से सुनिए। तो आप लोगों को मालूम है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने ओपन टेक्स्ट बुक जो एग्जामिनेशन है उसके लिए डिक्लेरेशन किए थे और उनकी एग्जामिनेशन अभी स्टार्टिंग हो रही है, तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन दी जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने जो एग्जामिनेशन है ओटीबीई उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन की कि एग्जामिनेशन कैसे प्रोसेस में होगी, प्रोसीजर क्या होगा एग्जामिनेशन का। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप लोग की यूनिवर्सिटी भी सेम ओटीबीई मोड अप्लाई करती है तो आप लोगों को ये जो अपडेट है इस अपडेट से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने जो दी, द स्टूडेंट विल नीड टू लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल यूजिंग सर्टेन क्रेडेंशियल। तो फर्स्ट स्टूडेंट लोगों को क्या करना होगा, जो अपनी यूनिवर्सिटी है जैसे यहाँ पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेबसाइट में लॉगिन करना होगा स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, द स्टूडेंट देन डाउनलोड्स द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर ऑन हिज और हर डिवाइस। उसके बाद मोबाइल अपने जो डिवाइस है उसके स्टूडेंट्स की जो डिवाइस है डिवाइस से जो क्वेश्चन पेपर होगा पोर्टल में दिया होगा वेबसाइट में वहाँ से डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट A4 शीट जो होगा, A4 शीट में उस क्वेश्चन पेपर से जो आंसर्स होंगे A4 शीट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो 4 लाइंस लिखे हुए हैं, द स्टूडेंट देन स्कैन द आंसर शीट्स एंड कन्वर्ट द स्कैन पेजेस टू ए PDF। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, जो आंसर शीट होगा उसको स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स अपलोड द स्कैन PDF फाइल्स टू द एग्जामिनेशन पोर्टल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, जो स्कैन PDF फाइल बना हुआ है उसको उसी पोर्टल में जाके वेबसाइट में जाके अपलोड कर देना होगा। और लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, द अपलोड फैसिलिटी ओपन आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड विल रिमेन ओपन अप टू 1 आवर आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जो अपलोड करने की जो प्रोसीजर होगी ये एग्जामिनेशन जो कमेंसमेंट टाइम है उसके हाफ एन आवर के बाद स्टार्ट होगी, आधा घंटा बाद स्टार्ट होगी और 1 घंटे तक टाइम रहेगी, मतलब हाफ एन आवर स्टूडेंट्स के पास टाइम रहेगी, उसी बीच में स्टूडेंट्स को अपलोड कर देना है अपना जो आंसर शीट होगा। नेक्स्ट हमारा जो आज का थर्ड अपडेट है, तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता जी ने उनके स्टेट की जो HS एंड HSLC एग्जामिनेशन है उसके लिए डेट अनाउंस कर दी है। तो क्लास 12 के जो एग्जामिनेशन होंगे बोर्ड एग्जाम ये जुलाई में ली जाएगी, लास्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगी और क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम्स है ये सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। तो होप है हमारे आसाम में भी सेम डेट्स हो सकते हैं, तो जल्दी हमारे आसाम बोर्ड के भी एग्जामिनेशन डेट जो है ये अनाउंस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ अपडेट है ये एक जॉब अपडेट है, तो सोयल कंजर्वेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट छोड़ी गई है 27 पोस्ट के लिए, तो उसकी अपडेट मैंने पहले भी दी हुई थी एक बार, सो आप लोग चाहे तो उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो, कल तक उसका लास्ट डेट है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबके पास अपडेट पहुंच सके। सो थैंक यू प्यार टीम फॉर ज्वाइनिंग मी।